ये चटनी रगड़ के खा लो और अपनी शुगर को दूर भगा दो। आज हमारा ये टॉपिक यही है दोस्तों। क्या होता है कि जब हमारे को शुगर हो जाती है तो हमारे टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर हमारे को क्या होगा दोस्तों, जल्दी से थकावट रहेगी, पसीना आएगा, हमें भूख ज़्यादा लगेगी, हमें प्यास ज़्यादा लगेगी, हमारा शरीर का वजन गिर जाएगा। तो ऐसे सूरत के अंदर अगर हम ये चटनी जो कि हमारे रसोई घर से ही रिलेटेड है, मैं आपका दोस्त डॉक्टर कमल मित्तल आयुर्वेदाचार्य इस तरह से आज आपकी शुगर को दूर भगाता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, अभी हम जानते हैं। जैसे कि हमने इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो सबसे पहले हमने ये देखिए ये पुदीना कूट रहे हैं, ये हमारे अदरक है, ये हमारा गार्लिक है रखा है, इसको हम इसके पापड़ उतार देंगे और पापड़ उतारने के बाद इसके जो फांक है इसकी, क्योंकि क्या होता है ये हमारे शरीर के अंदर जितनी भी वायुवादी है उसको दूर कर देता है और हमारी जो शुगर के अंदर जिन पेशेंट्स के अंदर ऐसे जख्म बन गए हैं जो ठीक नहीं हो रहे, और ऐसी चीज जिसके अंदर हम ये कहें कि भी शुगर के पेशेंट वाले की इंसुलिन तक की नौबत आ गई है, उसकी शुगर कंट्रोल ही नहीं हो रही, तो ऐसे के अंदर हम क्या करेंगे, देखिए पहले हमने पुदीना डाल रखा है, उसमें ही हमने गार्लिक डाल दिया है और हम इसको जैसे कि पुराने टाइम में सिलबट्टे के ऊपर चटनी कूटते थे ऐसे ही कूटना है ताकि उसका पूरा का पूरा रस उस चटनी के अंदर आए। जैसे कि हम इसके अंदर कूट रहे हैं पत्थर के ऊपर, जो सिलबट्टा है हमारा उसी के ऊपर ही हम कूट रहे हैं। अब हमारा जो अदरक है दोस्तों, अदरक को भी हमने ढंग से अपना इसके अंदर कूट लेना है ऐसे ही, जैसे दिखाता हूँ अब आपको कूट के। और ये चार चीजें ही जिसके अंदर हमारा पुदीना, हमारा अदरक, हमारा अनारदाना और गार्लिक, ये चार चीजें ही हमारी हैं। ये देखिए ये हमने अनारदाना, अनारदाना जो कि खट्टा मीठा होता है और हमारे पाचन सिस्टम को बहुत ही सुपाच्य कर देता है, किसी को पेट में अभार आ रहा हो, गैस बन रही हो तो अनारदाने का कह देते हैं छोटी छोटी गोलियां, पेट में दर्द हो, और आज इसको भी डाल देते हैं और इस चटनी को लास्ट में दिखाऊंगा किस तरह से बन जाएगी पूरी की पूरी चटनी। आपने पूरा सिलबट्टे पे कुंडी सोटे पे अपना इस चटनी को कूट लेना है और कूटने के बाद जो ये चटनी हमारी तैयार होगी उस चटनी को, अगर शुगर का कोई पेशेंट है जिसकी शुगर अनकंट्रोल चल रही है, जिसके कोई ना कोई जो अंगूठा है या कोई भी ऐसी चीज है जिसको ये कह दिया गया है डॉक्टरों ने कि भी काटने की नौबत आ गई है, तो ऐसी सूरत के अंदर अगर वो इस चटनी को डेली अपने खाने के अंदर मिला ले और एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम को अगर भोजन के साथ सेवन कर लेता है तो उनकी शुगर बहुत अच्छे से शांत हो जाती है और उनके पेट में कोई अफारा नहीं आएगा, गैस नहीं बनेगी, किसी तरह का दर्द नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी औषधि हमने डाली हुई है वो सारी की सारी दोस्तों अपनी शुगर को ठीक करने वाली और बढ़िया से कंट्रोल करने वाली हैं। जैसे कि ये देखिए आपको अभी दिखाया मैंने आपको कि भी शुगर के अंदर बहुत ही लाभदायक चटनी काम करेगी, इसमें किसी तरह का कोई मीठा नहीं डाला गया, अगर मीठा डले तो शुगर अनकंट्रोल है, लेकिन मीठा डालना ही नहीं है अपने को, अपने को क्या करना है इसके अंदर पुदीने को इस तरह से मैश कर देना है, इस तरह से कूट देना है ये पुदीना, जो कि हमारे भोजन के अंदर जब हम इसको सेवन करते हैं तो हमारे भोजन को स्वाद बढ़ा देता है और हमारे जो इसके अंदर दोस्तों क्या होता है कि भी एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फेक्टिव जो तत्व होते हैं जिसकी वजह से हमारे जो शुगर के अंदर जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको दूर करता है। ऐसे ही हमारा जो अदरक होता है, अदरक हमारे जो शरीर में जितना भी अपना पित्त बढ़ गया, जितना कफ बढ़ गया उसको शांत करता है, और जो शुगर के जो पेशेंट होते हैं जिनके अंदर ज़्यादातर अपना इन्फेक्शन होने का डर रहता है, जो एक बीमारी लग जाती है दोबारा दोबारा छोड़ के नहीं जाती, तो ये अदरक उसके अंदर बहुत अच्छा, क्योंकि इसका ग्लाइकोराइजा ग्लैबरा जो कि रासायनिक नाम है और उसके अंदर ग्लाइकोजिन नाम से जो रासायनिक तत्व पाए जाते हैं वो हमारे शुगर के अंदर बहुत बढ़िया से काम करते हैं। ऐसे ही जो अनारदाना होता है, अनारदाना के अंदर विटामिन सी जो कमजोरी आ गई है उसमें बहुत अच्छे से लाभ देती है ये शुगर के पेशेंट को। ऐसे ही जो हमारा जो गार्लिक है, ये गार्लिक वैसे भी कहा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए अगर इसकी एक पोथी सवेरे अगर खाली काम करती है, इसके अंदर दोस्तों एंटी बैक्टीरियल और एंटी सेप्टिक नाम जो रासायनिक तत्व होते हैं उन्हीं के कारण ये अपना कहते हैं ना हमारे शरीर के अंदर जितने भी इन्फेक्शन है उसको बहुत जल्दी से ठीक करती है। अगर आप इन्हीं चार चीजों का जैसे कि ये 1, 2, 3, 4 और ये देखिए ये हमारी चटनी बनके तैयार हो गई है ऑलमोस्ट। ये देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जैसे कि हमारी पुरानी नानी दादी हमारी चटनी बनाया करती थी सिलबट्टे पे, उसी तरह ही हमारी ये चटनी बनके तैयार हो गई है। ये देखिए अगर आप इस चटनी का इतना मात्रा अगर आप सुबह और इतनी मात्रा अगर आप शाम को सेवन कर लेते हैं, चम्मच का 1/4 मतलब मान सकते हैं, इतनी चम्मच इतनी बतेरी है क्योंकि इसके अंदर सारी गर्म चीजें हैं, ज्यादा अगर हमारे को अगर डायबिटीज से रिलेटेड अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो हम इसमें मेडिसिन भी आपको प्रोवाइड करा सकते हैं और हम आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर